असलम बारिश का नया कमज़ोर मगरबी निज़ाम मुल्क के इंतहाई शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों को मुतासर कर रहा है जिसके सबब आज शाम रात से कल के दौरान खैबर पखतनख्वा गिरगत बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनने और बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत खिता पोठवार और बलई पंजाब में भी आज शाम रात से कल के दौरान बादल देखने को मिल सकते हैं कहीं कहीं बारिश के इमकान बन सकते हैं लेकिन कोई ख़ातिर खा हलचल होती नज़र नहीं आ रही मगर भी सिस्टम का सर्कुलेशन ज़रूर जो है शुमाली इलाक़ों शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों पर मौजूद है मगर ये सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है कि ज़्यादातर बा, बादल इससे डिवेलप हो सकें और बारिश देखने को मिल जाता हम तूरखम पाड़ा चनार पिशावर कुहाट बनो इसी तरह अगर बात की जाए मानसहरा मिंगोरा नौशहरा हरीपुर सवाल लंडी कोतल के इलाके शामिल हैं मालम जब्बा नारायण का बारिश का इमकान मौजूद नहीं है ताहम तीन अप्रैल बरोज एतवार यकम मुबारक को कराची समेत सिंध के मुख्त और बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में बादल जरूर देखने को मिलेंगे यह बादल हाई लेवल होंगे इन बादलों से से किसी भी खातिर खा बारिश की तो नहीं की जा रही इस तरह जनूबी पंजाब के भी बेषतर मकाम पर मौसम खुश्क रहेगा हवाएं सिंध के अक्सर इलाकों में कल भी नॉर्मल से हल्की शिद्दत की रहने की तो अगर जनूबी पंजाब में बात की जाए वस्ती पंजाब में तो इन इलाकों में भी मौसम खुशक रहेगा शुमाल मशरकी पंजाब में लाहौर सियालकोट फैसलाबाद ये इलाके शामिल हैं शेखपुरा के इलाके शामिल हैं इन इलाकों में भी कोई खातिर खा बारिश का इमकान फिलहाल नहीं है तो फिलहाल खुशक मौसम का सामना करते रहें उम्मीद है कि अप्रैल का जो दूसरा हाफ आ रहा है उसमें वस्ती और शुमाली इलाकों में कुछ दो सिस्टम असरअंदाज होते नजर आ रहे हैं दुआ करें किल्ला अब बेहतरी फरमाए तमाम जो फ़िलहाल वस्ती और जनूबी इलाका जाते हैं जिसमें जनूबी पंजाब बलूचिस्तान के इलाके शामिल इन इलाकों में कोई ख़ातर ख़ास सस्टम असर होता नज़र नहीं आ रहा तहम आगे चल कर जैसे ही कुछ हालात साजगार होंगे हवाएँ तब्दील होंगी तो लोकल डेवलपमेंट हमें अप्रैल के दूसरे हफ़्ते में इन देखने को ज़रूर मिलेगी जिसके मतलब हम आपको वक्ता फोकता आगा करते रहेंगे अगर बनने वाले साइकिलों की बात की जाए तो फ़िलहाल उसके असरा कराची समेत सिंध के ज़्यादातर इलाकों में नहीं है हमने आपको कल भी आगाह किया था कि जो बहिर अरब का दर्जा हरारत है वो काफ़ी कम है मामूल से तो इसलिए इस सिस्टम को कोई खातिर खास सपोर्ट नहीं मिलेगी इसलिए फिलहाल इसकी तो ना रखेंगे ये सिस्टम बारिश का सबब बनेगा दुआ करते रहें अल्लाह ताली उम्मीद है कि जल्द बेहतरी करेंगे